महाराष्ट्र में चुनाव भी हो गए और उनके नतीजे भी आ गए। शिवसेना और भाजपा के गठबंधन ने सबसे अधिक 161 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन बहुमत के आंकड़े पर होने के बाद भी दोनों दल अभी तक सरकार नहीं बना सके हैं। चुनाव के नतीजे आए हुए 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये अभी तक तय नहीं हो सका है। इसी राजनीतिक गहमा गहमी के बीच एक युवा विधायक की चर्चा राज्य में हर तरफ हो रही है। कौन है वो युवा नेता जिसका परिवार गरीब है और जिसके पिता चीनी मिल में मजदूर हैं? वो युवा नेता जिसको भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया और जिसने भरोसे पर खरा उतरते हुए जीत भी दर्ज की। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि नवपुत्रा और आप देख रहे हैं दी चौपाल। एक बाप सुबह सुबह अपने घर से मजदूरी के लिए निकलता है, दिन भर जी तोड़ मेहनत करता है और थककर टूटे हुए पसीने से तर जिस्म के साथ घर में प्रवेश करता है। पुराने हो चुके उसके कुर्ते को जब वो खूंटी पर टांगने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो खनखनाते हुए कुछ सिक्के जमीन पर बिखर जाते हैं। इन सिक्कों की खनक उसके टूटे घर की दीवारों से टकराकर वापस आती है और उसको ये एहसास कराती है कि वो गरीब है। वो झुककर इन बिखरे सिक्कों को समेटते हुए परिवार के भविष्य को भी समेटने की कोशिश करता है। ये हर रोज जीवन से संघर्ष करते, गरीबी से जूझते मजदूर वर्ग की हकीकत है। चलिए अब आपको महाराष्ट्र विधानसभा 2019 में विधायक चुने गए एक ऐसे ही मजदूर के बेटे की कहानी सुनाते हैं, जिसने सही मायनों में ये साबित कर दिया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वो बनेगा जो सच्चा हकदार होगा। ये कहानी है महाराष्ट्र विधानसभा की सीट मॉल शीरस पर चुनाव लड़े युवा कार्यकर्ता राम सतपुते की। इनको भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था और इस युवा नेता की मजबूत क्षेत्रीय पकड़ ने इसे विधायक भी बना दिया। राम सतपुते को मॉल शीरस की जनता का दुलारा माना जाता है। राम सतपुते कॉलेज के दिनों से भाजपा की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हैं। उन्होंने कई छात्र आंदोलनों में हिस्सा लिया है और उनका नेतृत्व भी किया, जिसके बाद वो एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए। सतपुते मूल रूप से महाराष्ट्र के अष्टी इलाके के रहने वाले हैं, जो कि अपने गन्ना मिलों के लिए प्रसिद्ध है। राम सतपुते के पिता भी इस तरह के एक गन्ना मिल में मजदूरी करते हैं। वो बताते हैं कि उनका जीवन बेहद संघर्षों से भरा हुआ रहा है। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उनके माता पिता की आंखों में आंसू उतर आए। राम सतपुते ने चुनाव जीतने के बाद अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर किया। वो बोले, मेरे माता पिता को तो ये भी नहीं पता कि एमएलए क्या होता है, लेकिन उन्हें इतना यकीन था कि लोग आ रहे हैं, हमारे बेटे से मिल रहे हैं तो जरूर कुछ अच्छा ही कर रहा होगा, इसलिए घर में आनंद का माहौल था। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा कि इन लोगों ने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं समाज के एक पिछड़े वर्ग से आता हूं, इसलिए मैं भाजपा के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। परिवारवाद की राजनीति से दूर रहने के लिए मशहूर भाजपा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सही मायनों में लोकतंत्र की जीत तभी होती है जब गरीब को मुख्य धारा में लाने के लिए सही दिशाओं में प्रयत्न किए जाएं। ऐसे ही तमाम और वीडियोज़ के लिए आप दी चौपाल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। शुक्रिया।